समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रुको, मुझे कम से कम अपनी सफाई देने का मौका तो दो। हाँ रवि, सच नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रुको, मुझे कम से कम अपनी सफाई देने का मौका तो दो। कियारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। आरव ने तुरंत ही नफरत से अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली और कियारा को नजरअंदाज कर दिया। आरव ने नीचे देखते हुए चिंता से नेहा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? नेहा चोट लगने का नाटक करते हुए आरव की बाहों में लेट गई। नेहा आंसू बहाते हुए बहुत ही उदास और हारी हुई लग रही है। मैंने कियारा को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये इन सब का इल्जाम मेरे ऊपर कैसे डाल सकती है? इसे लगता है कि आज से पहले मैंने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अगर ये मुझे नहीं देखना चाहती तो सीधे सीधे भी बोल सकती है, मैं उसके बोलते ही तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। नेहा ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने आप को निर्दोष दिखाने का पूरा नाटक किया। नेहा जानती है कि आरव के मन में नेहा के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स पैदा करने का यही सबसे अच्छा वक्त है। ये बिल्कुल वैसी ही छवि है जैसी कि वो आरव की नजरों में बनाना चाहती है, कि सारी गलती कियारा की ही है। नेहा हाथ इस मौके को कैसे जाने दे सकती है? ये कहते हुए नेहा कसमसाते हुए आरव की बाहों से छूट गई और जोर जोर से रोते हुए बाहर भाग गई। आरव, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम उसकी बकवास मत सुनो, कियारा जोर से चिल्लाई। और चिल्लाते हुए कियारा ने आरव का हाथ पकड़ लिया और उसे नेहा के पीछे जाने से रोकने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। आरव ने हिकारत से कियारा की तरफ देखा। उसकी तरफ देखते हुए आरव की आंखें ठंडी और भयंकर हो गई हैं। आरव ने कियारा के हाथ को झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और नेहा का पीछा करते हुए घर से बाहर चला गया। आरव के इस बर्ताव से कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सा खुद का मजाक बनाने वाला हाव भाव दिख रहा है। उसने आरव को देखा और महसूस किया कि पूरी दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। कियारा के दादाजी के अलावा उसके पास अकेला आरव ही तो था जिसे वो अपना कह सकती है। अब जब दादाजी उसे छोड़कर चले गए हैं तो क्या आरव भी उसे छोड़ने वाला है? कितना कुछ इस समय कियारा के दिमाग में चल रहा है। वो नहीं जानती कि उसे क्या महसूस करना चाहिए और कैसे कैसे भी करके उसे सब कुछ भूलना है। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे पूरी दुनिया एक मिनट में उथल पुथल हो गई हो। कियारा ने अपनी दुनिया को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आरव को इस तरह से नहीं खो सकती हूँ, मुझे उसे समझाना ही होगा, कियारा ने मन ही मन सोचा। और आरव का पीछा करने के लिए कियारा जल्दी से जमीन के ऊपर सरकते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सारिका ने यह देखा तो जल्दी से जाकर कियारा के बालों को कस के पकड़ लिया और उसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ बैठो और सोचो कि तुमने क्या किया है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप इतनी कम उम्र में तुम्हें छोड़ के चले गए और अब तुम्हारे दादाजी भी नहीं रहे। अब से हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी अब से हमारी है, इसलिए तुम्हें हमारी बात सुननी और माननी ही पड़ेगी। ये कहते हुए सारिका ने बहुत ही शातिर तरीके से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे दोबारा से थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगी। आप लोग और मेरे माँ बाप, कभी नहीं, कभी नहीं। इस बार कियारा ने बहुत ही बदतमीजी से कहा और सारिका को अपने आप को दोबारा मारने नहीं दिया। कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया और सारिका से अपना हाथ छुड़वा लिया। कियारा ने सारिका के उसके पीछे पीछे कियारा को कोसने के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं की और वो नंगे पाँव भागते हुए बाहर निकल गई। कियारा आरव को ये साबित करना चाहती है कि वो बेकसूर है। कियारा उसे बताना चाहती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। कियारा उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ कियारा ये भी जानती है कि अब वो कुंवारी नहीं रही और अब उसे आरव के साथ अपनी शादी की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। आरव हमेशा से किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कुंवारी हो। कियारा अब आरव के साथ शादी करना भी नहीं चाहती है। वो बस इतना चाहती है कि उसके पास दुनिया में एक आखिरी रिश्ता बचा है, उसका और आरव का, जिसे वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती है। भले ही उन दोनों के बीच का रिश्ता टूटने वाला है या फिर समझो टूट चुका है, फिर भी कियारा नहीं चाहती कि अलग होने के बाद आरव के मन में उसके लिए कोई नफरत रहे। आरव, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? मैंने कियारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसके मम्मी पापा बहुत जल्दी ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से मैंने कियारा को अपनी सगी बहन माना है। मैं अपनी बहन को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ?
कियारा ने नजदीक से ही नेहा की आवाज सुनी और मनी मन नेहा के लिए बहुत ज्यादा नफरत महसूस करी। कियारा वहीं रुक गई और आसपास नेहा को ढूंढने लगी। एक पेड़ के पीछे उसने देखा कि आरव नेहा को अपनी बाहों में कस कर पकड़े हुए है। कियारा को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ क्योंकि नेहा अब तक अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी है। आरव ने गुस्से से अपने दांतों को कस कर बंद करते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने ही उसे समझने में गलती कर दी थी। कियारा केवल बाहर से मासूम दिखाई दिखती है लेकिन वो है नहीं। किसने सोचा था कि वो इतनी शातिर होगी, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। कियारा ने हमेशा से तुम्हें एक बहुत ही बुरी मक्कार और चालाक लड़की के रूप में दिखाने की कोशिश की है। आरव प्लीज ऐसा मत कहो, मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, अगर कियारा ने ये सब सुन लिया तो फिर वो इन सब का ब्लेम मेरे ऊपर डाल देगी। तुम डरो मत, तुम सच में बहुत ही भोली और मासूम हो, इसीलिए वो हमेशा तुम्हें धमकाती रही है, आरव ने नेहा को दिलासा देते हुए कहा। आरव एक ऐसा लड़का है जो सभी के लिए बहुत रूखा है लेकिन यारों का यार भी है। वो अपने नजदीकी के लिए कुछ भी कर सकता है और जो कोई भी उसके करीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसको सबक सिखाने से वो कभी पीछे नहीं हटता। नेहा अपनी आंखें खोलने से पहले कुछ देर आरव की बाहों में रुकी रही, तभी उसे आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने कियारा को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गई और फिर उसके होंठ कुटिलता से मुस्कुराने लगे। नेहा ने कियारा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, कियारा जो कुछ भी अब तुम्हारे पास है ना, वो सब मैं तुमसे छीनने जा रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी में दुख के सिवाय अब कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। कियारा का चेहरा पीला पड़ गया और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खड़ी नहीं रह सकती है, वो किसी भी पल जमीन पर गिर पड़ेगी। ये देखकर नेहा जानबूझकर मुस्कुराई और आरव के और करीब बढ़ गई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो आरव, आज तुमने सच का साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम सचमुच कितने बड़े दिल वाले हो। लेकिन क्या तुम अभी भी कियारा से प्यार करते हो? ये सुनकर आरव जोर जोर से हंसने लगा। अरे ये सब फालतू बातें छोड़ो, क्या तुम पहले से नहीं जानती थी कि मैं अब किससे प्यार करता हूँ? दरअसल मैंने कियारा से कभी प्यार ही नहीं किया था, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। इतना कहने के बाद आरव ने बहुत ही एक्साइटमेंट से नेहा का चेहरा पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। नेहा भी उसका पूरा साथ दे रही है। उसी एक पल में कियारा की पलकों पर बारिश की बूंदें आकर टिकी, जिनकी वजह से कियारा की लंबी पलकें कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसका दिल टूटा, कियारा ने अपने दिल में कड़वाहट का स्वाद भी चखा। वो आदमी जो इस वक्त दूसरी औरत को गले लगाए हुए है और बारिश में उसे किस कर रहा है। उसने एक बार कियारा से कहा था कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगा जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कियारा से ही प्यार करेगा। अब जब कियारा को आरव का असली चेहरा नजर आ गया, उसे ऐसे किसी भी आदमी की अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं है। कियारा ने अपने आंसू पोंछे और वापस घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि सारिका बहुत ही गुस्से से भरे हुए चेहरे के साथ हॉल में खड़ी है। जैसे ही सारिका ने कियारा को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसने एक सूटकेस कियारा की तरफ फेंक दिया। तुमने जो इतना घिनौना काम किया है, गौतम परिवार में ऐसा कुछ करने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। हमारे परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए हम लोग तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। तुम्हें ये घर तुरंत छोड़ना होगा, आज से बल्कि अभी से हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब सुनते ही कियारा चौंक गई। ये नहीं हो सकता, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग इस तरह से मुझे घर से नहीं निकाल सकते। कियारा अभी कॉलेज के थर्ड ईयर में है, उसने अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है, ऐसे में वो अकेले कैसे रह सकती है, कैसे अपनी जिंदगी जी सकती है। लेकिन अभी तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कर भी क्या सकती है, इस वक्त वो बहुत ही मजबूर और लाचार है। इतना ही नहीं, उसके दादाजी का पार्थिव शरीर भी अभी घर पर ही है, अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और अब तक तो कियारा ने उन्हें अच्छे से अंतिम विदाई भी नहीं दी है। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुम्हें इस घर से जाने का ऑर्डर दे रही हूँ, वो भी अभी के अभी। अब ये तुम पर है कि तुम ये घर अपने आप छोड़कर जा रही हो या मुझे तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालना होगा, सारिका ने कहा। सारिका के हाव भाव हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। आप लोग मुझे इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते, अभी तो दादाजी का पार्थिव शरीर भी घर पे है, ऐसे में मैं किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जा सकती हूँ।
जैसे ही कियारा ने कहा, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए उसके गालों तक पहुंच गए। दीनदयाल, दीनदयाल, इस घटिया लड़की को घर से बाहर निकालो। दीनदयाल के पास इस वक्त सारिका की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। दीनदयाल को कियारा के साथ बहुत ही ज्यादा सहानुभूति है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इस घर का नौकर है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उसे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कियारा, कृपा करके अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, दीनदयाल ने कहा और कियारा के चेहरे को बहुत ही गंभीर नजरों से देखा। अगले ही पल दीनदयाल ने कियारा को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। कियारा ने दीनदयाल का हाथ पकड़कर खींचते हुए उससे घर में रहने की रिक्वेस्ट की। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आखिरी बार दादाजी को देखना चाहती हूँ। काका प्लीज मुझे दादाजी के पास ले चलो, कियारा हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई। कियारा, मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम्हें अभी के लिए यहाँ से जाना ही होगा। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, अब जाओ। दीनदयाल ने इतना कहा और अपना हाथ हिलाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर क्या करेगी अब कियारा? घर से ऐसे निकाले जाने के बाद कियारा की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। उसकी आंखों में वहां से जाने की मजबूरी साफ नजर आ रही है। कियारा आखिरी बार अपने दादाजी का चेहरा तक नहीं देख पाई है। अगर इस वक्त वो चली गई तो उसे उसके दादाजी का चेहरा फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। कियारा ने भारी मन से सूटकेस ले लिया और दरवाजे से बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो चुपके से घर के पीछे की तरफ भागी और चुपके से कमरे में घुसने के लिए खिड़की खोल दी। कियारा ने अपने मन में सोचा कि वो अपने कमरे में जाकर छुप जाएगी और फिर अपने दादाजी के कमरे में घुसकर उन्हें देखने के लिए बाकी लोगों के वहां से जाने का इंतजार करेगी। और ये गनीमत है कि दूसरी मंजिल पर इस वक्त कोई भी नहीं है। कियारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो धीमे कदमों से जैसे ही स्टडी रूम के आगे निकल रही थी, तभी वहां से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए कियारा वहीं रुक गई और अंदर झांक कर देखने लगी। अंदर कियारा के चाचा चाची अरविंद और सारिका दोनों झगड़ रहे हैं। टेबल पर रखा सारा सामान फर्श पर बिखरा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पर उन दोनों में एक तीखी बहस हो रही हो। कियारा के चाचा अरविंद ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, वो मेरे पिता थे, तुमने उन्हें क्यों मारा? ये सुनते ही कियारा की आंखें हैरानी में बड़ी होने लगी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कियारा की चाची सारिका ने बहुत ही बेइज्जती के साथ जवाब दिया, वाह 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 वाह, क्या बात है, अब तुम्हारे अंदर बाप के लिए प्यार जाग रहा है। तब कहाँ था ये प्यार जब तुमने मुझे उन्हें ड्रग देने के लिए कहा था और अब तुम मुझ पर ही ब्लेम लगा रहे हो? क्या तुम सच में वही आदमी हो? अपनी बकवास बंद करो सारिका, मैं बस ये चाहता था कि पिताजी कभी भी बिस्तर से ना उठ पाए। मैंने ये कब कहा था कि तुम उनकी जान ले लो? अरविंद ने गुस्से से कहा। ये सुनते ही कियारा के मन में अपने चाचा चाची के लिए नफरत और भी बढ़ गई। कभी नहीं कहा, पर बिस्तर पे पड़े रहने और मरने में ज्यादा फर्क नहीं होता अरविंद, वो एक विकलांग और बूढ़े होने की वजह से बिस्तर पे ही तो पड़े थे, इसके बजाय मर गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके अलावा वो अगर इसी हालत में रहते तो तुम्हें क्या लगता है हमें उन पर हर साल कितना खर्च करना पड़ता? सारिका ने तर्क दिया। तुम कितनी शातिर और कमीनी औरत हो, अरविंद ने भी सारिका की ही टोन में उसे जवाब दिया। तो तुम कौन से बड़े दूध के दूल्हे हो? सारिका जोर से चिल्लाई। तुम वही आदमी हो जो इस प्लान के मास्टरमाइंड हो, तुम्हारा प्लान था अपने बाप को खत्म करने का और अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो? इतना सब होने के बाद अब उस सारे किए कराए का भांडा मेरे माथे फोड़ना चाहते हो और खुद एक पाक साफ इंसान बनकर सबके सामने दुखी और भोला होने की एक्टिंग करना चाहते हो? सारिका ने गुस्से से अपनी बात आगे बढ़ाई। हे भगवान, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने दादाजी को मार डाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कियारा बुरी तरह से कांप रही है, उसने जो सुना उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रही है। कियारा तो चाहती है कि वो अभी ही इन दोनों कातिलों को मारकर वहाँ से गायब हो जाए, जिन लोगों ने उसके दादाजी का कत्ल किया है। कियारा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने सुना है मम्मी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, फिर तुम यहाँ कैसे? नेहा सीढ़ियों पर खड़े होकर उसे गुस्से से देख रही है।
नेहा की आवाज इतनी तेज है कि स्टडी रूम के अंदर के लोग भी उसे सुन सकते थे। नेहा के ऐसे चिल्लाने की वजह से कियारा घबरा गई और उसने तुरंत ही घर से बाहर भागने की कोशिश की। तभी अरविंद ने अचानक स्टडी रूम का दरवाजा झटके से खोल दिया और चिल्लाया, पकड़ो उसे, वो बचकर भागने ना पाए, उसने सब सुन लिया है। नहीं, मुझे जाने दो, कियारा जोर से चिल्लाई। उसी टाइम कुछ लोग तेजी से चारों ओर से कियारा की तरफ दौड़े और उसे घेर कर पकड़ लिया। कियारा ने अपनी पूरी ताकत से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन सबके सामने वो अकेली पड़ गई है। उसने अपने चाचा अरविंद और चाची सारिका को देखा जो उसी की तरफ चल कर आ रहे थे। कियारा जोर से हंसी, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से और नफरत से उन लोगों की तरफ देखा। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम लोग इंसान हो ही नहीं सकते। मेरे दादाजी तुम्हारे भी तो पिता थे, तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम सबको सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लूंगी। सारिका ने उसे मजाक उड़ाने के अंदाज में देखा और फिर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, कियारा तुम जरूर पागल हो गई हो, इसका मुंह टेप से बंद कर दो और इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। ध्यान रखना ये यहाँ से निकलने ना पाए, अगर ये बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं। सारिका ने अपने सभी नौकरों को हिदायत दी। कियारा जानती है कि उसे अभी कुछ देर के लिए ही बंद किया गया है, क्योंकि कियारा ने उनके इस राज का पता लगा लिया है। इन सब के पता लगने के बाद अगर वो लोग कियारा को जिंदा छोड़ दें, ये बिल्कुल नामुमकिन है। कियारा स्टोर रूम के कोने में दुबकी हुई बैठी है, गुड़ी मुड़ी सी, घबराई हुई सी। उसका पूरा शरीर गुस्से और डर की वजह से कांप रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों से होते हुए नीचे टपक रहे हैं। दादाजी, आप मुझे इन लोगों के साथ छोड़कर क्यों चले गए? इन लोगों के मुझे यहाँ लाकर बंद करने से एक काम तो अच्छा हुआ है, अगर ये लोग मुझे मार देते हैं तो मैं आपसे मिल तो पाऊंगी और आपसे अपने किए की माफी तो मांग पाऊंगी, कियारा ने मन में सोचा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से धक्का देकर खुला। दरवाजा खुलते ही दीन दयाल छुपते छुपाते दबे पांव अंदर आया। उसने धीरे से कियारा के मुंह पर लगी टेप को हटा दिया और हाथ पैरों की रस्सी खोल दी और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कियारा को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, कियारा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उन्हें हरा नहीं सकते, इसलिए कुछ भी बुरा होने से पहले यहाँ से जल्दी निकल जाओ। इस वक्त तुम्हारा सुरक्षित और जिंदा रहना किसी और बात से ज्यादा जरूरी है। कियारा ने आश्चर्य और अविश्वास से दीनदयाल की ओर देखा। जब कियारा से नहीं रहा गया तो उसने कहा, नहीं, अगर आपने मुझे यहाँ से भागने में मदद की तो वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, वो मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब तुम बातों में टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से जल्दी चली जाओ। जब तक बड़े साहब जिंदा थे वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही उदार थे, पर उनके जाने के बाद मैं केवल एक मामूली सा नौकर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो कियारा, दीनदयाल ने जवाब दिया। कियारा का दिमाग अचानक से काम करना बंद कर चुका है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं और वो उदासी से बोली, थैंक यू काका, थैंक यू। जल्दी जाओ, जल्दी से निकलो, अभी नीचे कोई नहीं है। तुम्हारे चाचा अरविंद और चाची सारिका दोनों ही बड़े साहब के अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त हैं। अगर तुम देर करोगी तो बहुत देर हो जाएगी, दीनदयाल ने सुझाव दिया। कियारा ने आखिरकार दीनदयाल की बात सुनी और तुरंत ही वहां से निकल गई। कियारा दीवार पर चढ़ते हुए बाहर निकल गई और वो सूटकेस जो उसकी चाची ने कियारा के ऊपर फेंका है वो उसे बाहर पड़ा दिख रहा है, वो भी कियारा ने अपने साथ ले लिया। कियारा को लगा जैसे कोई चीज उसे रोक रही हो। उसने अपने दादाजी के कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जिससे कियारा का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। कियारा के उदास और मायूस आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प की चमक है। दादाजी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपका बदला लेने के लिए एक दिन वापस जरूर आऊंगी, अभी के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, कियारा ने मन ही मन सोचा। कियारा ने भारी मन से अपना सूटकेस खींचा और वो बिना किसी हाव भाव के सड़क पर चली जा रही है। उसका दिमाग इसी उधेड़ बुन में लगा है कि जो कुछ भी उसके दादाजी के साथ हुआ उसका बदला कैसे लिया जाए। उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है, वो अगर पुलिस में जाकर इसकी शिकायत भी कर देगी तो कानून सबूत मांगेगा जो उसके पास नहीं है। वो अपनी बेवकूफी की वजह से दुश्मनों को आगाह नहीं करना चाहती, इसकी वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं।
उसके पास विश्वास करने के लिए कोई भी नहीं है, ना ही कोई अपना, ना ही कोई दोस्त। उसके चाचा चाची भी दुष्ट और कमीने लोगों में से हैं। वो ऐसा सोचते सोचते आगे बढ़ी रही है कि एक काली कार तेज गति से दौड़ती हुई इसकी तरफ आई और कार वाले ने अपना हॉर्न बजाया। कार की तेज स्पीड होने के बावजूद ड्राइवर काफी कुशल है। उसने जल्दी ही कार को कंट्रोल करके उसे थोड़ा सा टर्न किया, जिससे कार का हल्का सा धक्का कियारा के हाथ में पकड़े सूटकेस को लगा। बाकी कियारा बिल्कुल सेफ है। टक्कर होते ही कियारा अपनी सोच के सागर से हकीकत में वापस लौट आई। सौभाग्य से कार ने उसे टक्कर नहीं मारी है, पर अचानक लगने वाले झटके की वजह से वो एक तरफ लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गई। सर, लगता है हमने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया, कार की पिछली सीट की तरफ उत्सुकता से देखते हुए ड्राइवर ने कहा। कियारा अभी भी सदमे में है और एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे सब कुछ ब्लैंक हो गया है। कार उसे टक्कर मारने के लिए इतना नजदीक आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि कार कभी भी कियारा से टकरा सकती है, लेकिन अब उसका सामान खुला पड़ा है और कियारा के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। अभी कुछ देर पहले ही बारिश होकर बंद हुई है, जिसकी वजह से सड़क बहुत गंदी है। कियारा जल्दी से उठी और झट से अपने कपड़े वापस सूटकेस में डालने लगी, लेकिन कियारा जल्दी में ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। उससे अपने कपड़े भी नहीं समेटे जा रहे हैं। तभी वो अपने आप में बड़बड़ाई, कितनी शर्म की बात है, मैं इतना भी नहीं कर पा रही हूँ। विराट कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ है और शराब के नशे में है। पिछली रात जो कुछ हुआ इसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है और इसी की वजह से उसका सर तेज दर्द कर रहा है, और दर्द की वजह से वो अपनी आंखें बंद करके गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद है, तभी अचानक एक इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण उसके शरीर ने आगे की तरफ झटका खाया। लग्जरी कार कितनी भी अच्छी क्यों न हो, स्पीड के कारण अंदर बैठने वाले का शरीर कई बार हिलता ही है। एकदम से लगने वाले ब्रेक की वजह से गुस्से से उसकी आंखें एक जगह इकट्ठा हो गईं और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। विराट की काली पुतलियां नाराजगी से भर गई हैं, क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की को देखा जो उस समय जमीन पर लगभग लेटी हुई है। उससे जाकर पूछो क्या वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो गाड़ी चलाओ। विराट की ठंडी आवाज में सहानुभूति या गर्म जोशी की कोई जगह नहीं है। वो उन आदमियों की तरह नहीं है जो औरतों पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खासकर इतनी छोटी सी बात पर। ये सोचकर उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया और विराट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात को विराट शराब के नशे में बेकाबू सा था और उसी की वजह से गलती से किसी अनजान लड़की के साथ सो गया था। और सबसे बुरी बात है कि वे दोनों ही ये नहीं चाहते थे। क्या विराट को ये पता चल पाएगा कि जिस लड़की के साथ उसकी गाड़ी की टक्कर हुई है वो कल रात वाली ही लड़की है? बीती रात को विराट शराब के नशे में बेकाबू सा था और उसी वजह से गलती से किसी अनजान लड़की के साथ सो गया था। और उससे भी बुरी बात ये है कि ये उसका पहली बार था जो वो किसी लड़की के इतना करीब आया था। विराट का पहली बार और वो भी किसी अनजान लड़की के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी जवानी का वो पल जिसका इंतजार हर लड़के हर लड़की को होता है, वो पल विराट की जिंदगी में आकर चला भी गया और उसे ये पता तक नहीं चला कि वो लड़की कौन है जिसके साथ उसने अपना कुंवारापन खोया है। विराट को सबसे ज्यादा पागल ये बात कर रही है कि जब वो सो रहा था वो लड़की वहां से भाग गई। कम से कम इतना हक तो विराट को है ही कि वो जान सके कि उसने पहली बार किस लड़की के साथ सारी सीमाएं लांघी हैं। विराट को इससे पहले भी कई मौके मिले थे अपनी वर्जिनिटी यानी अपना कुंवारापन खोने के। कई लड़कियां उसके बिस्तर तक खुद चल के आई थी, लेकिन विराट ने उन सबको खुद से दूर रखा था क्योंकि उसे उस खास लड़की का इंतजार हमेशा से था। और जो एहसास उसने पिछली रात उस अनजान लड़की के साथ महसूस किया, उसके बाद उसे यकीन हो गया है कि वही उसकी जिंदगी की खास लड़की है। ये सब सोचते हुए उसकी नजर कार की खिड़की से बाहर गई, जहां उसे अजीब सी शर्मनाक हालत में एक लड़की को झुके हुए देखा जो सड़क पर गिरे हुए अपने कपड़े उठा रही है। उस लड़की की शर्ट बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई है और कपड़े गीले होने की वजह से उसके बदन के साथ चिपके हुए हैं, जिससे उसके बदन के एक एक हिस्से को बखूबी देखा जा सकता है। उस भीगी शर्ट के अंदर से
उस लड़की की कमर साफ देखी जा सकती है जो बहुत ही पतली और नाजुक है। ये देखते ही विराट ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। लानत है। तभी ड्राइवर रामपाल बोला, सर मैं एक बार देख लेता हूँ। ड्राइवर के उतरते ही विराट का फोन बजने लगा। उसने कॉल उठा लिया और जवाब दिया, हाँ बोलो राहुल। दूसरी तरफ विराट का सेक्रेटरी राहुल थोड़ा उत्सुक सा लग रहा है। सर मुझे कल रात वाली लड़की के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही विराट के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बंद कार के सन्नाटे में सिर्फ उसके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है, धक 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 धक। विराट ने गहरी सांस ली और पूछा, कौन है वो? राहुल ने कहा, सर उसका नाम तो नहीं पता चल पाया है, पर ये जरूर पता चल गया है कि वो गौतम परिवार की बेटी है। गौतम्स? वहीं गौतम्स के घर पर एक लड़की भागते हुए कियारा की चाची सारिका के पास पहुंची। नीचे कियारा नहीं है। ये सुनकर सारिका के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। वो भागकर अपने पति के साथ नीचे बेसमेंट में पहुंची, जहां कियारा का नामो निशान तक नहीं है। वहां कुछ मौजूद है तो वो खुली हुई रस्सियां जिससे कियारा को बांधा गया था। ये देखते हुए सारिका ने चिल्ला कर कहा, मुझे किसी भी कीमत पर कियारा चाहिए। तभी उसने किसी को कॉल करके कहा, चाहे धरती खोजनी पड़े या आसमान चीरना पड़े, लेकिन मुझे कियारा यहाँ चाहिए। जितना पैसा जितनी ताकत चाहिए सब मिलेगा, लेकिन उस लड़की को ढूंढ कर मेरे हवाले करो। तभी सारिका की बेटी कृति ने पूछा, आपको क्या लगता है मॉम, किसने मदद की है कियारा की यहाँ से भागने में? सारिका की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसके चेहरे पर गुस्से से उसकी उभरी हुई नसें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। दीनदयाल तुमने ये बहुत गलत किया। कुछ ही देर बाद दीनदयाल अपने चेहरे पर दहशत लिए घुटनों के बल बैठा हुआ है। मेम साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मुझे कियारा मैडम के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी एक तेज थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। कियारा के चाचा ने दीनदयाल को देखकर कहा, तू ही है वही जो ये सब कर सकता है, तू ही है गद्दार, तूने ही भगाया है उसको। दीनदयाल डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा है। वो ये भी जानता है कि ये लोग किसी जल्लाद से कम नहीं है। जो अपने भगवान स्वरूप पिता को जान से मार सकते हैं, तो दीनदयाल तो एक मामूली सा नौकर है। वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाया, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी सारिका सामने आती है और उसकी गर्दन पे अपना पैर रखते हुए कहती है, तुमने जो किया है ना दीनदयाल, उसका खामियाजा तो तुम्हें किसी भी हालत में भुगतना ही पड़ेगा। और दीनदयाल को जोर से लात मारकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ विराट को राहुल से खबर मिल चुकी है कि उसके साथ कल रात कौन था। आखिर जो बात उसको परेशान कर रही थी उसका जवाब उसे अब मिल गया है। ये पता चलते ही वो थोड़ा शांत हो जाता है। गौतम्स मुंबई की एक बहुत ही फेमस फैमिली है, लेकिन विराट की रॉय फैमिली के सामने इनकी कुछ खास हैसियत नहीं है। विराट कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो ये सब गौतम्स की चाल है, उनकी ही बेटी इस तरह की हिम्मत कर सकती है, उसने मुझे उकसाने की कोशिश की है। अब बताऊंगा मैं उन्हें, इन लोगों को मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। इधर विराट ने तैश में फोन काटा और ड्राइवर वापस आकर कार में बैठ गया। विराट ने ड्राइवर से बोला, सीधे गौतम्स के घर चलो। इस वक्त विराट का ध्यान बाहर वाली लड़की से बिल्कुल हट चुका है और वो जल्द से जल्द गौतम्स के घर जाना चाहता है। सर लेकिन उस लड़की का क्या करेंगे जो हमारी कार से टक्कर खाकर गिर गई है? ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए पूछा। विराट जो पहले से ही ठगा महसूस कर रहा है, ये सुनते ही उसका गुस्सा और परवान चढ़ गया। मैं अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, ये सब जानबूझकर अमीरों की गाड़ियों के सामने आ जाती हैं, जिससे उनसे पैसे ऐंठ सके, इसको तो मैं बताता हूँ। इतना बोलते हुए विराट कार से बाहर निकला और अपनी रोबीली चाल में सीधा कियारा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने वॉलेट से नोटों का ढेर निकाला और कियारा के हाथ में पकड़ाते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसके हाथ में पैसे जबरदस्ती थमाते हुए बोला, इसी के लिए किया था ना ये नाटक, ये लो पकड़ो। ये देखते ही कियारा हैरान रह जाती है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। विराट बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। अगले ही पल विराट की लग्जरी कार तेजी से आवाज करते हुए आगे बढ़ गई। उस कार के पहियों से सड़क के किनारे खट्टा पानी चारों तरफ बिखर गया। ये देखते ही कियारा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से सड़क से एक पत्थर उठाकर उस गाड़ी की तरफ फेंकती है। भिखारी समझा है क्या,
रुको, अभी बताती हूँ मैं तुमको। लेकिन तब तक विराट की कार हवा की तेजी से वहां से चली जाती है। कियारा ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? अब अनजान लोग भी, जिन्हें कियारा जानती तक नहीं, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। कियारा इतनी ज्यादा गुस्से में है कि उसके पास गुस्सा बाहर निकालने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए उसने गुस्से से विराट के थमाए नोटों को सड़क पर फेंक दिया और बुरी तरह से अपने सैंडल से मसलने लगी। वही कार में विराट को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बार बार उसकी आंखों के सामने वो पल घूमता जा रहा है जब उसने उस रोड वाली अनजान लड़की का हाथ कुछ देर पहले पकड़कर खींचा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने ये हाथ पहले भी पकड़ा है। वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे पिछली रात के धुंधले मंजर नजर आने लगते हैं। पिछली रात को जब अंधेरे से लैस कमरे में विराट ने उस अनजान लड़की का हाथ पकड़ा था तो उसे बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ था जैसे अभी कुछ देर पहले उस रोड वाली लड़की का हाथ पकड़ कर हुआ था। जब रात को उस लड़की ने करवट ली थी तब विराट ने उस लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट यानी एक मोटा धागा कलाई पर बंधा देखा था जिसमें एक घुंघरू बंधा था। विराट की आंखें तुरंत खुल गई। उसने करीबन चिल्लाते हुए कहा, रामपाल कार घुमा लो, मुझे उस लड़की से एक बार मिलना है। ड्राइवर रामपाल हैरान रह गया। सर, वो सड़क वाली लड़की? विराट ने कहा, हाँ जल्दी करो। कियारा का गुस्सा धीमे धीमे उसकी तकलीफ उसके दर्द में तब्दील हो जाता है। वो वहीं सड़क पर अपने घुटनों पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कल रात न जाने किस अनजान शख्स के साथ उसने जिस्मानी संबंध बना लिए। रात में घर पर ना होने के कारण उसके चाचा चाची ने मौके का फायदा उठाकर उसके दादाजी को मौत के घाट उतार दिया। उसे अपना ही घर छोड़ना पड़ा। कियारा इस वक्त बुरी तरह से टूट चुकी है। तभी विराट की कार तेजी से वहां आ पहुंची। विराट पलक झपकते ही कार से उतरा और सीधा कियारा के पास आया। अपना हाथ दिखाओ। कियारा ने पलट कर विराट की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन विराट को देखते ही उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की? विराट ने कियारा की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अपने दोनों हाथ दिखाओ। कियारा गुस्से से बोल पड़ी, अगर अपने पैसे लेने आए हो तो वो रोड पे पड़े हैं, उठा लो। जाओ उठा लो उन्हें। विराट की बेसब्री वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। उसने अगले ही पल कियारा के दोनों हाथों को पकड़ा और उस घुंघरू वाले मोटे काले धागे को कियारा की कलाई पर ढूंढने लगा। लेकिन कियारा के दोनों हाथ सूने हैं, उसकी कलाई पर कुछ भी नहीं बंधा है। विराट ने गहरी सांस भरी और करीबन कियारा के हाथ झटक दिए। कियारा हैरान रह गई। विराट मुड़कर कार की तरफ चला गया। कियारा पीछे से चिल्लाती रही, तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान को तो सबक सिखाना चाहिए। एक लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं ये तक नहीं पता तुम्हें? इतनी देर में विराट की कार वहां से निकल गई। कियारा पीछे से चिल्लाती रही, घमंडी नाकारा घटिया, एक बार वापस लौट कर आ, अपनी चप्पल से मारूंगी मैं तुझे।